हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब ग्लोटर चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपके पास बॉडी शेपर नहीं है तो आप इस तरीके से, आपके पास टॉप है तो उससे भी आप बॉडी शेपर बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये मेरा ये मेरी टॉप है और ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो इसको फेंकने से पहले इसका मैं रीयूज़ कर लूँगी। तो किस तरीके से आप इसका रीयूज़ कर सकते हो एंड बॉडी शेपर बना सकते हो, इसको मैंने फोल्ड कर लिया यानी उल्टा कर लिया है। और इसके अंदर का जो फैब्रिक है ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। ये जो इसके अंदर का जो फैब्रिक है, जो हमारे टॉप में, टॉप किसी भी टॉप वगैरह में होता है, तो उसको इस तरीके से टॉप से काट कर अलग कर लें, जो हमारी बॉडी शेपर का काम करेगा। यहाँ देखिए, तो इस तरीके से ये मैंने टॉप में से काट लिया था। इसको मैं इस तरीके से पहनकर दिखाऊंगी किस तरीके से आप इसको बॉडी शेपर की तरह यूज़ कर सकती हो। और ये ट्रिक काफ़ी अच्छी है। अगर ऑनलाइन आप बॉडी शेपर लेते हो तो वो आपको 600 से ऊपर की रेट में आपको मिल सकते हैं। तो अगर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप टॉप से भी बॉडी शेपर बना सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से आपको पहन लेना है और पहनने के बाद फैब्रिक को अंदर पेटीकोट में थोड़ा थोड़ा टक कर लेना है, तो इस तरीके से आपका शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं साटन सिल्क की साड़ी आपको वेयर करना बताऊँगी किस तरीके से। इस पर काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है और शेप मेरे, अगर मैं इस बॉडी शेपर को नहीं पहनती तो थोड़ा चौड़ा शेप आता मेरा साइड से, बट जब मैंने ये बॉडी शेपर पहन दिया है तो इसके बाद ये शेप काफ़ी अच्छा आएगा, जिसमें हमारी, अगर हमारा ये जो थाइज हैं वो थोड़ी पतली हो जाती है तो साड़ी में स्लिम दिखते हैं और साथ ही लुक भी बहुत ही प्यारा आता है। हमने यहाँ फर्स्ट राउंड कुछ इस तरीके से पूरा कर लिया है और सेंटर प्लीट्स बनाने से पहले हम पल्लू तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से जिग जैग करते हुए सारे प्लीट्सों को आपको कैरी कर लेना है और करने के बाद आप सभी प्लीट्सों को कैरी करते जाएं। और यहाँ पर कुछ दूरी के बाद हमने जहाँ पर प्लीट सारी कैरी कर ली थी वहाँ पर इनको सिक्योर करने के लिए मैं जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती है, आप चाहें तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देखिए इक्वल कर रही हूँ, मुझे जितना पल्लू लेना है उस हिसाब से मैं यहाँ देख लेती हूँ और देखने के बाद यहाँ पर सेफ्टी पिन से पिनअप कर लेते हैं। या तो आप जो कपड़े सुखाते हैं, नॉर्मली चिमटियाँ होती हैं जिससे कपड़े नहीं उड़ते, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप वो चिटचट होती है बालों में जो लगाने वाली होती है, तो उसको भी यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, जिससे आपकी प्लीट्स जो है इधर उधर नहीं होंगी। अब साइड की फिटिंग देखते हैं, साटन सिल्क की साड़ी में आप साइड की फिटिंग किस तरीके से ला सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं छोटी छोटी प्लीट्स ले रही हूँ और उनको यहाँ पर साइड में जो प्लीट्स आती हैं काफ़ी अच्छी लगती हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और थोड़ा थोड़ा हमें साड़ी को ऊपर की तरफ लेना है इस तरीके से। 2 से 3 प्लीट्स हमें लेनी है और लेने के बाद इकट्ठी करके वहाँ पर इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करके साइड से इस तरीके से करते जाना है। और करने के बाद हम वहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेते हैं, जिससे हमारी साइड की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी। इस तरीके से आप साटन सिल्क की साड़ी पहनते हो तो लुक भी बहुत प्यारा आता है। बट ये जो मैंने आपको बॉडी शेपर बना कर दिखाया है, इसको एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, और जब आप ट्राई करो तो मुझे बताना ज़रूर, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको इस तरीके से साड़ी पहनते हो तो कैसा लगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना मेरे साथ। और यहाँ पर हम सेंटर प्लीट्स कुछ इस तरीके से कैरी कर लेते हैं। सारी प्लीट्सों को कुछ इस तरीके से हमें बनाते जाना है, इक्वल बनाना है। और जो फर्स्ट प्लीट्स आएगी लास्ट हमारी, इस तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड से प्लीट्स बनानी स्टार्ट करते हैं तो जो हम लास्ट प्लीट्स आती है वो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं,
जिससे नीचे आकर वो प्लीट्स इक्वल हो जाती है सभी प्लीट्सों के साथ। और लास्ट में हम प्लीट्स को थोड़ा सा सेट करते हुए और सारी सेंटर प्लीट्सों को इस तरीके से कैरी कर लेते हैं। कैरी करते हुए यहाँ पर पेटीकोट में टक कर लेना है। तो साटन सिल्क की साड़ी अगर आप इस तरीके से पहनते हो तो बहुत प्यारा आपका लुक आने वाला है। और यहाँ देखिए साइड की फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है। तो इस तरीके से ये सारी प्लीट्स साइड में आती हैं। ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हम पल्लू को सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से सारी प्लीट्सों को ले लेना है। हमने पहले से ही तैयार कर रखी थी, आपने देखा है मैंने यहाँ पर पिन लगाया हुआ था। और हम अब मैंने टॉप उतार दिया है। टॉप उतारने के बाद हम ब्लाउज के साथ टक कर लेते हैं पल्लू को। यहाँ साइड से भी हम जो बॉर्डर है उसको भी फ्रंट बॉर्डर को सेट कर लेते हैं। बहुत प्यारा लुक आता है। ये साड़ी मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। लाल गेंदा फूल जो आजकल सॉन्ग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है उसमें मैंने बंगाली साड़ी एज अ बंगाली साड़ी इसे यूज़ किया है। और इसमें मैं साटन सिल्क साड़ी कुछ इस तरीके से आप पहन सकते हो। मेरा फाइनल लुक है, साइड की फिटिंग देख सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।